हेलो एवरीवन, आज है 1 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, 34 रुपए का शेयर है, तकरीबन 20% की एक बहुत बड़ी रैली आज हमें देखने को मिली है। और इसके बारे में पिछले हफ्ते ही मैंने कहा था कि एक बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी। और आप देखिए, 23 नवम्बर को मैंने ये वीडियो बनाया था और तब शेयर 27 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। और मैंने रीजंस भी दिए थे कि क्यों ये तेजी आने की संभावना है, क्यों शेयर में आपको तेजी देखने को मिल सकती है और आपको खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में जरूर बताया था। यहाँ पर जब इतनी बड़ी तेजी पिछले एक हफ्ते में देखने को मिल चुकी है, तो बात करना बनता भी कि क्या यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए कि नहीं, या फिर और फर्दर खरीदारी कर सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वहां पर मैं आपको जो जो दिग्गज ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने किन किन शेयर्स में खरीदारी करने की सलाह दी है उसके बारे में अपडेट देता रहता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैन इंफ्रा की। 34-35 रुपए का ये शेयर है, आज 20% की भयंकर तेजी देखने को मिली है और वाकई में आज इसने काफी बढ़िया रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में 34% का ग्रोथ है। 25 रुपए तक का लो बना था, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, उसके बाद आप देखिए सडनली जो शार्प रैली आई है वो वाकई में बहुत ही शानदार है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में मैन इंफ्रा के शेयर में 52% का ग्रोथ है। देखिए, कोविड से पहले भी शेयर इस प्राइस पर नहीं था, 32 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था। कोविड आते ही 14-15 रुपए तक टूटा, लेकिन अब बढ़िया रैली आई, हालांकि तेजी आई थी, 29 पे गया, वापस गिरावट आई, अब दोबारा अच्छी खासी रैली आई है। पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में मैन इंफ्रा के शेयर में सिर्फ और सिर्फ गिरावट है। 72 रुपीज के लेवल से टूटकर यह शेयर नीचे आया है, 43% की गिरावट है। 10 साल में अगर हम देखें तो पिछले 10 साल में मैन इंफ्रा का ये जो शेयर है उसका परफॉर्मेंस कुछ ऐसा है कि 27% की गिरावट है, 14-15 रुपए का लो है और 72 रुपीज तक का हाई भी हमें देखने को मिला है। जब भी रैली आई है गिरावट आई है, तेजी आई है गिरावट आई है, तेजी आई है गिरावट आई है। तो पहली चीज तो ये कि ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद कर 5-10 साल के लिए भूल जाए। ये वो शेयर है जिसमें आपको खरीदारी करनी है, प्रॉफिट आने पर आपको यहाँ से एग्जिट भी ले लेना है। यहाँ पर अगर मैं आपको इनकी वेबसाइट के बारे में दिखाऊं तो देखिए, ये मैन इंफ्रा की वेबसाइट है, रियल एस्टेट से लेकर कंस्ट्रक्शन के भी इनके काम है। यहाँ पर अगर मैं आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर ले चलूँ तो आप देख सकते हैं कि 50 साल से भी ज्यादा का इनका एक्सपीरियंस है, 103 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज इन्होंने बिल्ड करी है अब तक। तो ये बहुत ही बड़ा इनका नेटवर्क है, काफी बड़ी इनका अगर हम देखने जाए तो कामकाज भी देखने को मिल रहा है। चाहे हम रेजिडेंशियल की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी इनकी। और जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्यों मुझे लगता है कि इसमें तेजी आई, क्योंकि जो इनका जो बड़ा कंस्ट्रक्शन का जो प्लान है वो मुंबई में है। मुंबई में इनकी एक से एक बड़ी प्रॉपर्टीज है, एक से एक बड़ी इनके पास लैंड है। और आपकी इनकी जो प्रॉपर्टीज देखेंगे तो वो काफी लैविश देखने को मिलते हैं। आपको देख सकते हैं यहाँ पर कि महाराष्ट्र थाने में इनकी कई सारी प्रॉपर्टीज है, पुणे महाराष्ट्र, कई सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है और एक से एक लैविश प्रॉपर्टी इनकी यहाँ पर है और एक बड़ी मात्रा में इनके पास लैंड भी पड़ी हुई है। तो ये इनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर अभी हो क्या रहा है कि पेंडेमिक की वजह से जो नुकसान हुआ था वो जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनीज को हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे अगर हम देख रहे हैं कि कोविड की जो वैक्सीन आने की जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं इस सेक्टर को बूस्ट करने का काम करेगी, इस सेक्टर को बूस्ट करने का काम करेगी। और अभी जो कोरोना के चलते ज्यादातर लोगों जो वर्क फ्रॉम होम मिला है तो लोग चाहते हैं कि अपना खुद का घर हो, अपने अपने खुद के घर में उनके पास एक स्पेशल ऑफिस काइंड ऑफ वो अपना क्या कहते हैं ये स्ट्रक्चर बना पाए। तो इसी में अगर हम देख रहे तो जो बिक्री है घरों की वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इन जैसे कंपनियों को एक फायदा जरूर पहुंचेगा इन सारी चीजों से। हालांकि माइक्रो कैप शेयर है ये, तकरीबन 840 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखेंगे तो 1 करोड़ 25 लाख से भी ज्यादा का आज वॉल्यूम ट्रेड हमें यहाँ पर देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर ने बहुत बड़ी होल्डिंग को अपनी गिराया है, यहाँ पर 64.58% की जो होल्डिंग थी वो 58.97% है, मतलब 5.61% की होल्डिंग प्रमोटर के द्वारा बेची गई है। तो देखो ये पॉजिटिव चीज तो नहीं है पहली चीज, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें
तो इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले कुछ भी नहीं था, अब 0.95% मतलब एक बहुत बड़ी जो होल्डिंग है वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा खरीदी गई है। आप देखिए 27% का डिविडेंड भी पे कर रहा है, मतलब पर शेयर को 55 पैसा पर शेयर का डिविडेंड ये पे कर रहा है। मैन इंफ्रा के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, अभी भी तेजी के संकेत है और अभी भी शेयर सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। 11.45 का इसका पी है जबकि इंडस्ट्री पी 19.07 है। बुक वैल्यू 34 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1 की है, ईपीएस 3.03 है और डिलीवरी 72 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 15% लोग आपको बेचने की भी सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो सितंबर क्वार्टर में हालांकि कोई बड़ा प्रॉफिट इनको नहीं हुआ था, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर ठीक से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट था वो 1.44 करोड़ का था इनका, इससे पहले 2.30 करोड़ का था, हालांकि पिछले साल 3 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था। तो अच्छे प्रॉफिट हम कह सकते हैं धीरे धीरे, वैसे भी माइक्रो कैप कंपनी है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से एक बड़ी रैली की तरफ से आगे बढ़ सकता है। क्योंकि तो देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनकी बहुत 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 बड़ी जो लैंड है वो मुंबई में है, मुंबई में काफी सारी लैंड है इनके पास और जिनकी कीमत जो है वो तो काफी बड़ी है। तो कहीं ना कहीं इस छोटी कंपनी के लिए एक बड़ा सा एडवांटेज है कि फ्यूचर में वो वहां पर अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन साइट बनाकर अच्छी खासी प्रॉपर्टी को खड़ी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी मैन इंफ्रा में जो रैली है वो रुकने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये अभी भी 37 रुपीज तक जा सकता है और लॉन्ग टर्म में 45 रुपए तक के भी आपको यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मैन इंफ्रा में मेरी सलाह होगी कि अभी भी अगर आप चाहे तो बने रह सकते हैं यहाँ पर, और अगर यहाँ से गिरावट भी आती है, देखो ऐसा नहीं होगा कि गिरावट नहीं आएगी, देखिए क्योंकि बहुत बड़ी रैली आ चुकी है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है कुछ लेवल के बाद, लेकिन अगर गिरावट आती है तो आपके पास मौका होगा खरीदारी करने का। तो मेरी सलाह होगी कि उसमें आप चाहे तो एवरेज भी कर सकते हैं, और अभी तो मेरी बेचने की सलाह नहीं, मुझे लगता है कि 40 रुपए के आसपास शेयर जाना चाहिए। हाँ लेकिन हाँ 40 रुपए तक जाने से पहले हो सकता है कि 32 रुपए तक भी ये शेयर पहुंच जाए, लेकिन डेफिनेटली एक अच्छी खासी रैली की आप यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। तो बने रहने की सलाह होगी मैंने इंफ्रा में, बाइंग करो अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ी सी मुनाफा वसूली हावी होगी, तो ये चीज ध्यान में रखिए आप यहाँ पर। तो इसीलिए एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी मत खरीदे, अगर आपको 500 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 150 शेयर खरीदे, फिर वेट करें गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं और कम से कम यहाँ पर आप 40 रुपये का टारगेट लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर फायदा जरूर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें, अगर आप चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और मैन इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।